डेट आने के पहले ही बिल्कुल शुरुआती प्रेगनेंसी के 8 महत्वपूर्ण लक्षण आखिर कौन से होते हैं, यानी कि अर्लीस्ट प्रेगनेंसी सिम्टम्स। जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, वो अपनी ओवुलेशन डे के बाद ये जानने के लिए बेहद क्यूरियस रहती है कि आखिर उनका ओवम फर्टिलाइज हुआ है कि नहीं, इम्प्लांटेशन हुआ है कि नहीं, और इस साइकिल में वो प्रेग्नेंट हो गई है कि नहीं। इसी के चलते वो पीरियड की डेट के पहले ही जानना चाहती है कि इस बार प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर श्रुति बतौर गायनेकोलॉजिस्ट आप सब व्यूअर्स के साथ यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी कि डेट के पहले ही किन लक्षणों पर आप पैनी नजर रखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साइकिल में आप प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं हुई है। अगर आप ये सारी जानकारी पाने के लिए इच्छुक हैं तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। चलिए दोस्तों, अब सीधे शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रुति and welcome once again to your own wellness channel, Dr. Shruti's Corner, a wellness channel to help you stay healthy and stay happy. Let's get started. ये सबसे पहला लक्षण होता है इम्प्लांटेशन पेन। इम्प्लांटेशन पेन से संबंधित एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे पहले ही उपलब्ध है और आप सब व्यूअर्स को उसका बहुत ही अप्रिसिएशन और सराहना भी मिली है। आप डिटेल में वहां से जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल मैं संक्षिप्त में आपको ये बताना चाहूंगी कि जब ओवम यानी कि जो महिला के शरीर से जो निकला हुआ एग है वो जब फर्टिलाइज हो जाता है और भ्रूण बन जाता है, यानी कि फर्टिलाइज एग और एम्ब्रियो बन जाता है, तो ये फर्टिलाइज एग या एम्ब्रियो पीरियड आने के 5 से 7 दिन पहले यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की अंदर की दीवार पर जाकर जगह बनाकर इम्प्लांट हो जाता है या चिपक हो जाता है। और ठीक इसी वक्त जब इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, जो फर्टिलाइज एग होता है वो जो यूट्रस की बॉडी जब इम्प्लांट हो रहा होता है, ठीक उसी वक्त आपके पेट के निचले हिस्से यानी कि लोअर एब्डोमेन में आपको एक तीखा सा शार्प सा पेन हो सकता है या हल्का सा खिंचाव महसूस हो सकता है। ये जो पेन होता है ये तकरीबन कुछ घंटों से लेकर एक पूरे दिन तक रह सकता है और पीरियड आने के 5 से 7 दिन पहले इम्प्लांटेशन के समय होता है। इसको इम्प्लांटेशन पेन कहा जाता है और ये प्रेगनेंसी होने का एक सूचक हो सकता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या स्पॉटिंग की। इम्प्लांटेशन के वक्त कुछ ब्लड कैपिलरीज फूट जाती है और ठीक इसी वक्त इम्प्लांटेशन के वक्त कुछ प्रतिशत महिलाओं में स्पॉटिंग हो सकती है, यानी कि खून की कुछ चंद बूंदों की झलक भी मिल सकती है, यानी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, और ये भी प्रेगनेंसी का एक सूचक हो सकता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण होता है वो होता है इम्प्लांटेशन होने के तुरंत बाद जब महिला के शरीर में प्रेग्नेंट महिला के शरीर में जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है, जिसके चलते फिर उसको नौजिया और वॉमिटिंग की समस्या हो सकती है, यानी कि उसका जी मिचला सकता है, उबाकी आ सकती है या उसको भी हो सकता है, और ये सब एससीजी हार्मोन का स्तर जैसे बढ़ता है इसी तरह से आपका वॉमिटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लक्षण हो सकता है सुस्ती, थकान, कमजोरी। हार्मोन के स्तर में बदलाव के चलते हुए महिला के शरीर में फिर महिला को अत्यधिक थकान या कमजोरी भी लग सकती है, उसके एनर्जी लेवल्स भी डाउन हो सकते हैं और ये भी प्रेगनेंसी की तरफ इंडिकेट कर सकता है। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण होता है वाइड डिस्चार्ज पर वजनम। ये प्रेगनेंसी के बहुत ही शुरुआती लक्षणों में से एक होता है और ये जो वाइड डिस्चार्ज होता है मिल्की वाइट यानी कि दूधिया सफेद रंग का होता है, इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है प्रेगनेंसी होने पर और इसमें से कोई भी स्मेल नहीं आती या कोई अन्य इन्फेक्शन के सिम्टम्स नहीं होते, यानी कि आपको कोई ना रैशेस होंगे ना इचिंग होगी और बस ये वाइड डिस्चार्ज की मात्रा आपके शरीर में बढ़ सकती है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण हो सकता है फूड क्रेविंग्स या ऑल्टरेशंस इन फूड हैबिट्स। हार्मोन के बदलाव के चलते हुए जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसके चलते हुए पहले जो चीजें खाने की चीजें उसको पसंद आ रही थी वो उसको एकदम ही सख्त नापसंद होने लगती है, कुछ कुछ स्मेल से उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लग सकती है या कुछ कुछ फूड क्रेविंग्स हो सकती है, यानी कि कुछ खास विशेष तौर पर खाने की इच्छा हो सकती है अगर वो प्रेग्नेंट हो गई है तो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है मूड स्विंग्स और मूड चेंजेस। ये भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तर में बदलाव के चलते हुए आता है कि आपको अत्यधिक गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, अचानक रोने की इच्छा हो सकती है, सारे मूड चेंजेस भी होते हैं जब महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लक्षण हो सकता है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि पेशाब का बार बार
लगना। ये इस वजह से होता है कि जो यूट्रस होता है उसके ठीक सामने आपके पेशाब की थैली या यूरिनरी ब्लैडर होता है, और प्रेग्नेंट होने पर पेशाब की थैली पे जोर पड़ सकता है जिसकी वजह से महिला को बार बार पेशाब लग सकती है, और ये भी आपके डेट आने के पहले ही इंडिकेट कर सकता है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई ठीक इसी वजह से, तो आपको बार बार इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्यूरेशन तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सब व्यूअर्स के साथ शेयर करा कि डेट आने से पहले ही आप अपने किन लक्षणों पर नजर रखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार आपकी प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। फिर भी ये बताना चाहूंगी कि ये मात्र लक्षण मात्र होते हैं और इनमें से कुछ लक्षण प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि जब आपके पीरियड आने वाले हो ठीक उसके पहले भी ये सारे लक्षण मिल सकते हैं, तो इनमें से कोई भी लक्षण कन्फर्मेटरी नहीं होता है। हाँ, ये आपको इंडिकेट जरूर कर सकते हैं, आपको इन लक्षणों पर नजर रखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद कि मैं प्रेग्नेंट हो गई है, और उसके चलते फिर आप अपना खास ध्यान रख सकती हैं, कुछ प्रिकॉशंस या सावधानियों को भी फॉलो कर सकती हैं। लेकिन कंफर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जैसे ही आपकी पीरियड की डेट मिस होती है, अगर आपकी पीरियड रेगुलर है और जब भी आपकी पीरियड की डेट मिस हो और आप जल्दी से जल्दी पता लगाना चाहती हैं कि आप प्रेग्नेंट है, तो पीरियड मिस होने के एक दो दिन बाद ही आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकती हैं, और यूनिट प्रेगनेंसी टेस्ट की सेंसिटिविटी तकरीबन 95% 95% तक हो सकती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हुई है कि नहीं हुई है। फिर भी अगर आपको अत्यधिक क्यूरियोसिटी है, आप जल्दी जानना चाहती हैं, तो पीरियड आने के एक दो दिन पहले अब ब्लड सैंपल के माध्यम से बीटा एससीजी हार्मोन का टेस्ट कराकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में समझाया था, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, और सबसे ज्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड, जो कि पीरियड मिस होने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद कराया जाता है। लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस जानकारी को कम से कम 5 से 10 परिचितों तक शेयर कर उनकी भी जागरूकता बढ़ाने में अवश्य सहयोग करिएगा। अगर आपको सेहत से जुड़ी महिला स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां चाहिए हैं ऑथेंटिक माध्यम से, चाहिए विश्वसनीय माध्यम से, तो इस चैनल डॉक्टर श्रुतिस कॉर्नर को सब्सक्राइब करने का विचार भी करिएगा। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया तो मुझे पूरा विश्वास है आप अगला वीडियो देखने में भी इंटरेस्टेड होंगे। जल्दी ही मुलाकात होगी आप सबसे, तब तक आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड बाय बाय फॉर नाउ, विल सी यू ऑल सून, बाय बाय।